हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आपके साथ मिलके बनाने जा रहे हैं बेसन का चिल्ला, जो बहुत ही हेल्दी हेल्दी और यम्मी टेस्टी मज़ेदार बनाने जा रहे हैं, है ना। उसके लिए मैंने एक प्याज लिया है जो एकदम बारीक चॉप कर लिया। ये हमने लाल शिमला मिर्च लिया है जो देखिए इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। ये कसूरी मेथी है, 1 चम्मच हमने लिया है। और ये है कड़ी पत्ता, है ना। कड़ी पत्ता डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ये है हरी मिर्च। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना भी डालें, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हरा धनिया, है ना। थोड़ा सा हरी पत्ती हमने ले ली है, धो के बारीक काट ली है। और ये हमने 2 कड़छी के करीब बेसन ले लिया है। और ये हमने थोड़ी सी वाइट पेपर ली है। और ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये देखिए बेसन में हम नमक और काली मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी में हम प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च, हरा धनिया, सब कुछ एक साथ इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। आधा चम्मच के करीब हमने तेल ले लिया है। ये डालने से ना चिल्ला हमारा एकदम सॉफ्ट बनेगा। इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे ताकि मसाला और तेल वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी हम मिला के इसको घोलेंगे, अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे इसका। ये देखिए तवा हमारा हल्का सा गर्म हो गया। अब इसमें जो भी आप खाने वाला तेल इस्तेमाल करते हैं, घी या तेल, वो डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए इसका बैटर हमने इस तरह तैयार रखना है, ना ज़्यादा ये पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा। इसमें सब्जियां आप अपने हिसाब से और भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसको देखिए अब 1 कड़छी हमने ली है, इसको डाल के फैला देंगे अच्छी तरह। और गैस हमने कर देनी है सिम पे ताकि अच्छे से ये हमारा बेसन पक जाए। ये देखिए इसको चारों तरफ से हम धीरे धीरे तवे से अलग कर लेंगे और धीरे से इसको पलट देंगे। ये देखिए इसको हम दोनों तरफ से पलट पलट के अच्छे से पका लिए। ये देखिए दोनों तरफ से हमारा एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो गया। और ये देखिए करने से टूट भी नहीं रहा, है ना। बहुत ही बढ़िया हमारा ये बना है। ये देखिए इसको अभी टमाटो सॉस और हरी धनिया पुदीना वाली चटनी हमने बनाई है, उसके साथ सर्व करेंगे। अगर आपको इस तरह हमारी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।